और चलिए एक और खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। रायपुर से एक और खबर हमारे पास आ रही है जहां कांग्रेस का पूर्व सीएम रमन सिंह पर हमला हुआ है। चलिए तो खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। खबर हम मध्य प्रदेश से आपको बताएंगे जहां पन्ना से है ये खबर। पन्ना के पवई के हरदुआ क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो जाने से गुस्साए परिजन ने पुलिस चौकी के सामने शव रखकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे बैठे सुखपाल को मारुति ओमनी ने टक्कर मार दी थी, जिसे गंभीर हालत में दमोह अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस चौकी में शव रखकर चक्का जाम कर उपद्रव किया और चौकी में घुसकर वाहन मालिक की जमकर पिटाई कर दी। उपद्रवियों से प्रधान आरक्षक प्रेमलाल शर्मा ने जमकर मुकाबला किया। वहीं मामले में पुलिस बल के साथ एसडीओपी मौके पर पहुंचे और 25 लोगों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई है। एकदम से उग्र होकर के और चौकी में घुस करके कमलेश लोधी की पिटाई कर दी और वहां तोड़फोड़ की। इस मामले में कमलेश लोधी के खिलाफ 304 का मुकदमा कायम हुआ क्योंकि उन्होंने एक्सीडेंट किया और उन लोगों के खिलाफ 25 लोगों के खिलाफ थाने में घुसकर कमलेश लोधी की मारपीट के सिलसिले में और हमारा सामान तोड़फोड़ के सिलसिले में उनके खिलाफ मध्य प्रदेश शासकीय संपत्ति नुकसानी निवारण अधिनियम 1984 के तहत मुकदमा कायम हुआ है।